हेलो दोस्तों, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, ग्रह पर होती है कांच की वर्षा। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, पर हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जिस पर कांच की वर्षा होती है। इस ग्रह का नाम है HD 189733b। इस ग्रह में एटमोसफियर में सिलिकेट के बादल बनते हैं। ये सिलिकेट ठंडा होकर कांच के रूप में बरसने लगता है और इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसकी सुरक्षा पुलिस 24 घंटे करती है? मध्य प्रदेश सरकार इस पेड़ की देखरेख पर सालाना 12 लाख से 15 लाख रुपये खर्च करती है। यहाँ तक कि इस पेड़ की सुरक्षा के लिए हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे पुलिस लगी हुई होती है। 100 एकड़ के पहाड़ी और लोहे के लगभग 15 फीट ऊंची जाली के अंदर है यह बोधि वृक्ष। इस वृक्ष को इतना महत्व देने के पीछे मान्यता है कि इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है और इसे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने लगाया था। यह वही बोधि वृक्ष की टहनी है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी को महत्व देते हुए इसकी सुरक्षा और बंदोबस्त को महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, बताइए आपको ये फैक्ट कैसा लगा। अब फैक्ट नंबर 3, एलियन हमारी मानव जाति के लिए रहस्य अभी तक बने हुए हैं। यही जानने के लिए कि एलियंस का अस्तित्व है कि नहीं, वैज्ञानिकों ने एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया है। यह रेडियो टेलीस्कोप चीन ने एलियन को खोजने के लिए बनाया है। यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले कमज़ोर से कमज़ोर सिग्नल को भी कैच करने में माहिर है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम फास्ट रखा है। इस टेलीस्कोप का डायमीटर 500 मीटर है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कहीं ऐसे जीव के बारे में सुना होगा कि वह पैदा होते ही अन्य जीव को मार देते हैं, पर आपने कभी ऐसे जीव को सुना है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खाता है? मैं बात कर रहा हूँ बिच्छू की, क्योंकि वह पैदा होते ही अपनी माँ को खाता है और जब वह पूरा खा चुका होता है फिर वह कहीं और चले जाता है। इस वीडियो का अंतिम फैक्ट फैक्ट नंबर 1, 2016 में वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल कैच किया। यह रेडियो सिग्नल पृथ्वी से 500 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से आ रहा था। इसका मतलब इस सिग्नल को पृथ्वी तक आने में 500 करोड़ वर्ष का समय लगा। जब यह सिग्नल चलना शुरू किया था तब पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था। यह सिग्नल आसमान में सप्तऋषि तारामंडल से आया था। दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।